तो नमस्कार दोस्तों, यदि आप चंपारण से होते हुए आ रहे हैं टीएनीकट जाने के लिए टीला डैम का, तो आपको वहाँ से सेमरा आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से मेन रोड से होते हुए एक रास्ता गया है एनीकट जाने के लिए, जो इस स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। वहाँ से रास्ता गए आप सीधा जा सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो आप यहां रोड पकड़कर सीधा एनीकट, जहां हनुमान जी का मूर्ति बनाया गया है, वहां तक आप सीधा जा सकते हैं। आपको किसी भी तरह के और रास्ते यहां पर देखने को नहीं मिलेंगे। यहां रास्ता सीधा एनीकट तक गया है, जहां प्रभु का मूर्ति स्थापित हुआ है। आप जाकर देखिए, बहुत ही सुंदर दृश्य है। तो आप मेरी वीडियो में बने रहें और मैं आपको ले चलता हूँ टीला एनीकट। तो दोस्तों, हम लोग बस पहुंचने वाले हैं प्रभु हनुमान जी का मूर्ति जहां पर बना हुआ है, वहां पर टीला एनीकट पे। तो हम लोग पहुंच ही गए हैं। तो यहां पास आप देख भी सकते हैं कि प्रभु का जो होता है मूर्ति जो बना है वह 81 मीटर लंबा है। तो आपको हम सीधा नदी के रास्ते से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पास कितना बेहद खूबसूरत नज़ारा है। प्रभु का मूर्ति स्थापित है, तो देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।